गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि इतने दिनों का वेट करने के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज है हमारी बाइक की डिलीवरी और सामने देख सकते हो अभी एकदम प्यारा सा व्यू आ रहा है, दिखाता आपको। तो देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है और ये 14 फ्लोर से दिख रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी 3:30। तो अभी चलते हैं हम डिलीवरी के लिए और अपने साथ में भाई। तो ये हम रेडी हो चुके हैं साथ में अमन भाई और मैं। तो अभी सब रेडी हो चुके, सामने निकल चुके हैं। तो अभी हम चलते, शूज़ पहनते और फिर आज बहुत लोग आने वाले वैसे तो मेरे लगभग 14-15 दोस्त। तो अभी निकलते शूज़ पहन के सीधा। चलो अभी चलते, बहुत कॉलर है यार, से बहुत लेट हो चुका है। हेलो, देख सकते हो आज का हमारा आउटफिट। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब नई बाइक आज बहुत सालों बाद जो मेरा ड्रीम था पूरा होने वाला है। तो जो मजा आने वाली आज, तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। तो अभी चलते सीधा, बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी कॉल बहुत आ रहे हैं, तो जल्दी चलना पड़ेगा हमको सीधा शोरूम। तो शायद बीच का व्यू के साथ साथ सीधा शोरूम में मिलते हैं अभी। चलो, ये सब रेडी हो चुके अपनी R15, ये भी अभी अभी न्यू आई है और ये सब अभी रेडी हो चुके। बाकी भाई लोग जो भी है आने वाले अभी, तो उनसे भी मिलते। और मेरे बाइक लेने का सबसे मेन रीज़न था ये था कि इसके बहुत काम आ रहे, जो मैंने पिछली वीडियो बना चुका है उसके बारे में भी। तो वो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर। भाई बहुत दिक्कत दी, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 साल भी हो गए और 75,000 किलोमीटर हो चुके इस गाड़ी के। तो वही था रीज़न। और भाई अभी आ गया दिन, तो चलो चलते सीधा शोरूम में। तो गाइज हम लोग अब फिर से रुक चुके हैं क्योंकि बताइए अंकुश भाई, भाई इनको बस सिर्फ नाश्ता करना है। जब से लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, हम ऑलरेडी डिलीवरी के लिए, बट पहले से टाइम 4 बज चुके और इधर हम लेट हुए, फिर भी इनको नाश्ता करना है पहले। चलो नाश्ता ठीक है, चलो मैंडेटरी करना तो पड़ेगा, तो हम भी कर लेते। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा शोरूम में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने शोरूम पे। समझ ही गया होगा कौन सी गाड़ी ले रहे हैं अब हम। तो समझ तो गया होगा वैसे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं हम। तो अभी चलते अपने भाई भाई का वेट करते थोड़ा। हम लोग तो पहुंच गए वैसे शोरूम पे, अभी अंदर चलते जो भी प्रोसेस है दिखाते और फिर सीधा बाइक की डिलीवरी। खतरनाक वाली, देख रहे हो क्या मस्त है शोरूम है। साथ में हस्कॉर्ना और बजाज का भी साथ में यहाँ पे, तो देख लेते बजाज वजाज ऐसे थोड़ा शोरूम को घूम के। तो चलो सीधा शोरूम के अंदर। तो भाई जैसे कि अभी बात हुई थी कि हम KTM के शोरूम में जाने वाले थे, तो वहाँ से प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है और अभी हम आए हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको यामा के शोरूम। और ये पूरी प्लान चेंज नहीं है, ये हम दोनों को ही सीक्रेट मालूम था और बाकी किसी को पता नहीं कि हम R15 ले रहे। तो उन सबको हमने ये KTM बुलाया, तो अभी थोड़ा उनके साथ कुछ प्रैंक होने वाला है। तो पहले देखते कॉल लगाते उनको और बुलाते इधर। सब शायद बहुत कंफ्यूज होने वाले कि बोले KTM जा रहे हैं और फिर यामा क्यों है। तो अभी देखते कैसा रिएक्शन रहेगा सबको। चलो चलो मिलते हैं। तो गाइस जैसे आपको मैंने बताया कि हम R15 ले रहे हैं, तो R15 तो देखो काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे सब कलर पर। जो हमारी R15 वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है अब तक की, तो देखना है कि कौन सी है। तो वीडियो के आखिरी तक के ज़रूर देखना और अभी बस थोड़ी बहुत प्रोसेस करना है। भाई भाई जो आ गए हैं सबको बता तो दिया मैंने जो भी था, अभी बस सीधा अंदर जाके डिलीवरी लेना है अपने को। तो ये है अपना शोरूम यामा। ये देखो ये कलर्स खड़े हुए, तो इसमें से भी कुछ एक स्पेशल कलर है हमारे पास, बहुत अलग है, तो उसकी डिलीवरी देखते हैं अभी। चलो हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया है अभी। ये मिल चुके हैं अपने को डॉक्यूमेंट्स और गेट पास, बस अभी गाड़ी नीचे रखी है, गाड़ी लेना है। अभी बस हम लोग तैयार है, फुल एक्साइटेड, बस दो बंदे आने के अभी बस उनका वेट कर रहे, फिर सीधा।
पर्दा निकाल के। तो गाइज फाइनली टाइम हो चुका है अपना डिलीवरी का, हम बहुत देर से पहुंचे यहाँ पे, लगभग 4:30 बजे से पहुंचे यहाँ पे और अभी टाइम हो रहा है 7। तो 7 बजे सिर्फ एक बंदे का वेट कर रहे थे हम, थोड़ा काम था उसका अर्जेंट इसलिए। तो अभी फाइनली हम चल रहे भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया है तो देख सकते हो अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया है। तो अभी अंदर हमारी बाइक देखो पर्दे के पीछे खड़ी हुई है भाई, इतना मज़ा आने वाला है, बस ये आप पर्दे के पीछे जो चीज़ है वो देखो, बहुत सही मज़ा आने वाली है। तो अभी सीधा चलते अंदर, चलो। ये अपने दोस्त हैं सारे, ये भाई इंट्रोड्यूस करा रहा प्रणय, ये निखिल, शिवम, हिमांशु, विवेक, प्रज्वल भैया, मिन्नी, मनीष, अरे भाई अपना ओंकार, और कहाँ है और वो बाकी उधर है, थोड़े बच्चे, बारिश भी आना चालू है भाई, जल्दी उठा लेते यार। अपनी गाड़ी तो कलर कौन सा है पीछे आपको अभी पता नहीं है, जल्दी रिवील करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शोरूम के अंदर और ये रखी अपनी दोनों गाड़ियाँ, तो देख सकते हो। फाइनली अपनी बाइक रिवील हो चुकी है, तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है भाई अपनी गाड़ी, एकदम खतरनाक। तो अपना ये है न्यू कलर वाइट, जो अभी 2 या 3 महीने पहले आया है, और साथ में अपने भाई की भी गाड़ी है ब्लैक जो मैंने जब भी दिखाया था, तो दोनों साथ में भाई क्या दिख रही है भाई, इतनी खुशी हो रही है, मतलब बहुत सही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो कितनी प्यारी है पहली बार। और इसको चालू कर देते हैं फिर से, तो ये चालू, हर हर महादेव बोल के। भाई मेरे पूरे हाथ कांप रहे, मतलब ये डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत सही था। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है अपनी गाड़ी, और ये सब भाई लोग अपने, यहाँ पे फुल क्राउड आया हुआ है, सब अपने भाई लोग हैं। तो अभी इनको सबको पूछते हैं कि कैसी लग रही है बाइक। तो भाई कैसी लग रही बाइक देख के आपको, क्या लग रहा है? जबरदस्त एकदम बाइक की इच्छा पूरी हो गई, 3-4 भाई भाई बहुत सही भाई। भाई कैसी लग रही अपनी दोनों की गाड़ी साथ में, दोनों की भाई। चलो भाई अभी और पूछते हैं, और ये अपने भैया, थैंक यू भैया ने हमको बहुत जल्दी गाड़ी दिलाया, वैसे तो हमारे तरफ से थोड़ा लेट हो गया था, पर भैया ने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया था और जल्दी दिला दी गाड़ी, थैंक यू भैया। चलो तो ठीक है, ये अपने गाड़ी का कुछ लुक है भाई, फाइनली ड्रीम कम्प्लीट हो गया अपना। चलो ये भी चालू करो, चलो जाने जाके क्या हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, यू कैन सी आवर बाइक्स, माइन इज आल्सो स्टैंडिंग हियर, या शोरूम, यस यू वुड लाइक टू सी योर बाइक ब्रो, नो नो आई वांट टू
Why bro? It's old bro. But still it's R15 bro. Yes. Yeah. Power bhai system. ये पैन बॉइंग लगा 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 साथ में लगा तो नारियल फोड़ प्रतियोगिता शुरू होती हुई नारियल छिल रहे गाइस तो कटंगी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रानी जी अरे आमगांव से नहीं सॉरी दामनगांव से आदर्श भैया किसके बाजू में ज्यादा ताकत है वो देखना है अभी इनके की रानी जी के जो जिम बॉय है अभी खैर जान दो अभी बंद है या तो फिर हमारे पास ऑल टाइम बॉडी बिल्डर हितेश भैया मौजूद है मकसूद भाई अदर डॉक्यूमेंटेशन गाइस इधर ईशान भाई के निगरानी में होता हुआ हेलमेट मिला एक अरे हेलमेट मिला है गाइस जो कि बकवास हो गए तो पक्का पता है देख लेते अभी चलो अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो रही है गाइस ये अपने देसी स्टाइल में भाई पेन सॉरी कीस है पता था ये हेलमेट बहुत बेसिक सा मिलने वाला ब्लैक बट हमने इसे हाफ किया ये भाई अपना हेलमेट ठीक ही है मतलब क्या है लगा लेंगे इसमें नहीं सीधा नया ले लेंगे इसको भी गेट पास किधर है देख लिया क्या बात गाड़ी भी पड़ा ले थोड़ा ताकत से हाँ पानी डाल दो जय श्री राम जय श्री राम ये तोहफा सब लोग तोड़ लो भाई लो भाई तो फाइनली अभी बाइक की डिलीवरी पूरी हो चुकी है तो सब अभी भाई लोग एक ट्रायल लेके आ रहे हैं और ये अपनी एक गाड़ी रखी हुई इधर और देखो यहाँ पे कितने लोग आए थे मतलब सब भाई को थैंक यू मतलब 17 से 18 लोग आए थे इधर खड़े उधर खड़े सब अपने भाई लोग और ये अपनी गाड़ी देखो जैसे मेरा दोस्त प्रण है ये चला के आ रहा है भाई क्या दिख रही है भाई मतलब एकदम खतरनाक यार मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं देखो क्या प्यारी लग रही है भाई वाह बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को देख के एकदम नेक्स्ट लेवल दिख रही जो रात में वाइट चमक रहा है ना भाई मतलब देख सकते हो आपको तो बाइक कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और इसी बाइक पे अभी आगे तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है मतलब इसका जो भी मॉड्स है और जो जो भी करने वाला हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा तो भाई अभी चलते देखो बारिश भी हो रही है थोड़ा हाँ तो देखो अभी आपको अपने भाइयों की गाड़ी दिखाता है 1 2 3 4 5 6 7 एक मिनट ये साथ ही मेरी बाइक है ये 8 9 और ये पता नहीं शायद अपनी नहीं है तो 9 बाइक से मेरे भाई लोग सब यहाँ पे मतलब आए तो भाई जो मज़ा आ रहा है मतलब एकदम ग्रैंड डिलीवरी थी हमारी दो दो बाइकों की और एक अभी सब ट्रायल ले रहे एक एक करके ये अपना भाई अमन पटले देख सकते हो आप भाई क्या दिख रही है यार मतलब प्यार हो गया भाई एकदम सही सब लोग बहुत खुश है और मुझे भी खुशी हो रही है अभी तो अभी चलते सीधा बारिश हो रही तो धीरे धीरे निकलना पड़ेगा हमको यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना है तो चलते सीधा घर पे और फिर वहाँ पे ही देख लेते रिफ्यूलिंग चल रही है गाइस सभी गाड़ियाँ हमारी इधर आके खड़ी है हमारे गौरव भाई जो वड़गांव से वड़गांव के सेवक ग्राम सेवक है ये अपने भाई रेडी है लाइन में वो एक गाड़ी उसकी भी रिफ्यूलिंग हो चुकी है गाइस हमारे कुछ भाई गाड़ी एक और हमारी R15 आज पूरा रोला है हमारा सिस्टम भरवा लिया एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या
वो सब तो ठीक है, ये सब ये वर्जन वाली गाड़ियां है, और ये अपने मनीष भाई है, इनके पास एक है वर्जन यूनिकॉर्न का वर्जन 1.0.1 जिसके अंदर कोल्ड स्टार्ट है। और क्या क्या हिमांशु भाई, टर्बो चार्ज इंजन विद लिक्विड कूलिंग, HET टेक्नोलॉजी सस्पेंशन, VXI मल्टी जेट इंजन। अभी हम घर पहुंच चुके, हम अपना ब्लॉग थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा बारिश बहुत तेज हो गई थी, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, और ऊपर से हम लेट हो गए थे, थोड़ा खाने होने का सीन था, तो हमने बाइक लगा दी अपने पार्किंग में नीचे। फिलहाल तो हम जा रहे थे थोड़ा जो भी अपना खाना वाना बनाना है और फ्रेश फ्रेश होना है, तो देखते अगर नीचे जाना हो तो मैं दिखा दूंगा पार्किंग में जो लाइनअप लगा है भाई, मतलब 3-3 आर का है अपने पास और 2 पल्सर, बहुत खतरनाक लाइनअप है अपने पास। तो देखते अगर नीचे जाना होगा तो हम डाल देंगे वीडियो, या फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते और वीडियो पार्ट में हम लोग एक ट्रिप भी करने वाले, छोटा सा ट्रिप है मंदिर वाला। हाँ, तो उसका एक नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा। तो अभी अगर आप अब तो पूरे ट्रेंडिंग ब्लॉग्स एकदम खतरनाक वाले, क्योंकि न्यू बाइक आ गई है तो भाई कंटेंट नया आएगा ही। अब तक तो मैं सोच रहा था कि कब मेरी बाइक आए, बस मेरे को जो कंटेंट बनाना है, अब एकदम दिल खोल के पूरा, समझ रहे हो। तो चलो फिर, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके कर दो बाइक के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।